लोकसभा इलेक्शन 2019 चुनावी महासमर में 11 प्रमुख खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। वैसे तो राजनीतिक पार्टियां पिछले कई महीने से चुनावों की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई थी, लेकिन अब चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनावों की जंग इस बार काफी रोचक होने वाली है। सबसे रोचक मुकाबला उन महत्वपूर्ण सीटों पर होने जा रहा है जहां राजनीतिक पार्टियों की साख जुड़ी है। आइए जानते हैं महासमर से जुड़े कुछ प्रमुख खिलाड़ियों और उनके प्रभाव क्षेत्र के बारे में। नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई करने वाले राजग ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। तब अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया था, देश में मोदी लहर का माहौल बनाया गया था। इन 5 सालों में 2.5 दर्जन से अधिक चुनाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। प्रभाव लोकसभा की सभी 543 सीटों पर। राहुल गांधी दिसंबर 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को 2018 के आखिरी में तब बड़ी कामयाबी मिली जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस का पूरा आम चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। प्रभाव लोकसभा की सभी 543 सीट पर। अमित शाह 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से राजग को 73 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उसी साल जुलाई में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस बार अमित शाह विरोधी पार्टियों और नेताओं पर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। मायावती बसपा अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। अनुसूचित जाति से आने वाली मायावती की राजनीतिक में पैठ भी है और राज्य में अपना वोट बैंक भी है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो मोदी लहर के बीच बसपा खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। प्रभाव उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी मध्य प्रदेश की सीटों पर। अखिलेश यादव सपा में कल्ला के बीच अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली। सपा 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत कमाल नहीं दिखा पाई थी और सिर्फ 5 सीटों पर जीती थी। इस बार 25 सालों का राजनीतिक द्वेष मिटाते हुए सपा बसपा के साथ आई है। प्रभाव उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी मध्य प्रदेश की सीटों पर। एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में उनकी बड़ी भूमिका होगी। टीडीपी पहले राजग में शामिल थे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नायडू राजग से अलग हो गए और फिलहाल महागठबंधन में वह बड़ा चेहरा है। प्रभाव आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना की सीटों पर। नवीन पटनायक बीजू जनता दल प्रमुख और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ओडिशा में अपना जनाधार रहा है। ओडिशा के विकास को अपना एजेंडा बताने वाली पार्टी बीजद राजग और महागठबंधन से अलग राह पर रही है। ममता बनर्जी विपक्षी महागठबंधन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा चेहरा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद उनकी तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 34 सीटें जीती थी। 18 जनवरी को कोलकाता में विपक्ष की बड़ी रैली आयोजित कर ममता ने 15 से ज्यादा राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया था। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी संघ 50-50 के फॉर्मूले पर लड़ रही हैं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश यहां राज्य के स्टार प्रचारक रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका तीसरा कार्यकाल है। सालों से वह बिहार में सुशासन की छवि बनाने में लगे हैं। बीजेपी से छिटकने और फिर राजग में शामिल होने के बाद इस बार उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर उभरे हैं। एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता की पहचान के साथ वह एक सख्त प्रशासक के तौर पर देखे जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय राजनीति में बीते 23 जनवरी को पदार्पण हुआ। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की 41 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी दी गई है।